आपका अपना होस्ट मुजम्मिल अब्बास और देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपनी ज़्यादा। आज हम बनाने जा रहे हैं जूस। आज जूस कैसे बनाते हैं, हमने इसको पहले केले डाले हुए हैं, दूध भी डाला हुआ है, चीनी भी डाली हुई है। तो अब चलाते हैं मशीन को और जूस बनाते हैं। ये जो जूस होता है सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपने भी पीना है लाजमी ताकि आपकी सेहत अच्छी हो। तो चलिए अब डाल हो जाए, हम जूस बना के पी लेंगे तो आप लोगों ने हमें मिस करना है। ऐसे ही इधर से हिल जाती है तो हम कह रहे हैं कि इधर भेजे ना, मैंने हाथ रखा होगा ऊपर से। तो श्याम भाई आ रहे हैं, वो जो इसका गंध है केले वगैरह के, वो बैर फेंक देंगे, चीनी वगैरह आपको भी अपनी जगह पर रख देंगे। अपना होस्ट में बैठा है, आप भी आ जाए अगर पीना है तो। कुछ देर इन्हीं में तैयार हो जाएगा ये। एक्चुअली हमारी हॉस्टल लाइफ है, मैं एक बार हॉस्टल लाइफ में खाऊंगा इंशाल्लाह, तो टाइम मिले आपको कुछ मुझको क्या है। हमने बना लिया, इसको देखते हैं आपकी तरफ तैयार हो गया। बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप इसमें बर्फ़ डालते हैं। बर्फ़ कैसे डालनी चाहिए, वैसे तो आप बर्फ़ आपने डाली है इसको थोड़ा सा क्रैश कर दें, टुकड़े कर दें, लेकिन मेरे पास वो सोर्स नहीं है, मैं ऐसे डाल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बर्फ़ डालिए, उसको भी कर देते हैं। अब ये ठंडा होगा, हम पिएंगे। और आप लोगों ने इसको बनाना है घर पर, पीना है रोज़ाना बना के पीना है, ताकि आपकी सेहत अच्छी हो, अच्छे लगे नज़र आए आप, और कशिश दिलकश हसीन नज़र आए आप। हम चाहते हैं कि आप रोज़ाना जूस पिए, केले और दूध का पिए। बस हो चुका है, अब इसको मैं शेक करने लगा हूँ, हिलाने लगा हूँ, ताकि बड़ा जो है उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए। देख रहे हैं आप शेक कैसे कर रहे हैं, ऐसे करना है क्यों सस्ता जूस है, बहुत सस्ता जूस है, आप रोज़ाना पिएं, बहुत सस्ता जूस है, आप रोज़ाना पिएं, मुझे याद करें, ऐसा जूस आपने कभी नहीं पिया होगा। तो फाइनली हमने जूस पर कर लिया तैयार, अब पीने लगे हैं इसको प्यार से। हम देता हूँ पहला गिलास अपने श्याम भाई को, देखते हैं श्याम भाई कैसे जूस पीते हैं। श्याम भाई आई लव यू जूस पी भाई, मेरे भाई बहुत प्यारे भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही है, उनको मैंने जूस दिया, भाई ने मुझे जूस दिया, टेस्ट करके आप बता दो कैसा है। सब कुछ जबरदस्त है, वाह, ये पूरे भाई को एक मेरे ख्याल से इधर बाहर एक स्टॉल बना के देना चाहिए, गर्मी रहते लोगों को जूस बांटने के। ये भी सही कह रहा है, वैसे आजकल थोड़े से महीने का ऐसे चल रहा है, दाल लगाना चाहिए। तो मैं अपना जो अब खुद पी रहा हूँ, फाइनली मैंने अपना गिलास पी ही लिया। पहले नाजरीन मैंने अपना जूस पी लिया, तो आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने घर में जूस बनाकर पी लिया करें, ताकि आप सेहतमंद हो जाए मेरी तरह। मैं सेहतमंद हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन जूस तो हमने बना के पी लिया, लेकिन एक मसला आ रहा है, थोड़ा बहुत गंद जैसे आपको आ रहा है, इस पर हमने रोला डाला हुआ है। श्याम भाई को कह रहा हूँ कि जो गिलास है ये श्याम भाई धो देगा, और इसको भी बहुत धो देगा, इसको भी बहुत रख देगा, इसको भी बहुत साफ कर देगा, क्योंकि वो अच्छा काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आया हूँ एक हफ्ते के बाद घर से, और ये भाई मुझसे काम करवा रहे हैं, मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगा,
ये भाई को तोड़ के करेगा चल, ये खुद करेगा, मैं झाड़ू कल लगाऊंगा। इधर आए मुजम्मिल भाई, आज ना दीन पे चीज दिखानी ना दीन ये नाज़रीन। ठीक है नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड नवाज़ शुक्रिया।